अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सत श्री अकाल। हमारे क्योंकि चाओ वगैरह सब मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। भारत में रहने वाले हमारे दो तीन जो फॉलोअर हैं, नमस्कार, उनको भी नमस्ते। टेढ़ापन जो है मेरे अंदर, मैं बोल टेढ़ापन लीकेज मेरे उधर है नलकों में, और ये सारे मसले हैं। मैंने जावेद भाई को बताया क्योंकि दुनिया फिरे हैं जावेद भाई। तुम्हारे ऊपर प्यार भी बोलो, आप भी बोलो, मगर लानत। इसलिए आपको सब मुस्लिम शावर कहते हैं। स्वागत है नजर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सत श्री अकाल। हमारे क्योंकि चाओ वगैरह सब कर देना सब, और भी एक दो भारत में रहने वाले हमारे दो तीन जो फॉलोअर हैं, नमस्कार, उनको भी नमस्ते। आपकी कठपुतलियां जलाई गई भारत में पिछली पॉडकास्ट के बाद, मैंने सुना। तो अपने हम प्यार करते हैं, ये खुद किसी की कठपुतली है। प्यार कर रहे हैं, चार भी प्यार कर रहे हैं। चार महीने ब्रॉडकास्ट करने के बाद मुबारक हो आप सबको, हमें फाइनली एक स्पॉन्सर मिल गया। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, इट्स बीन स्पॉन्सर्ड बाय मर्दाना। जी हाँ, मैं बता चलूँ, ये मेरे एफर्ट है सारा कि मैंने जावेद भाई को फोन किया। पहले तो देर ही रहे थे, फिर मैंने उनको अपने मसाइल बताए। आपने तो अपने काम के लिए। हाँ वही, मैंने कहा टेढ़ापन जो है मेरे अंदर, मैं बोला टेढ़ापन लीकेज मेरे उधर है नलकों में, और ये सारे मसले हैं। मैंने जावेद भाई को बताया क्योंकि दुनिया फिरे हुए जावेद भाई, जावेद चौधरी। तो जावेद भाई को मैंने कॉल की, सर ये स्पॉन्सर मेरी वजह से आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको कॉल की थी अपने मसलों के लिए, अच्छा, क्योंकि मैंने नोट किया इस्लामाबाद में जब भी जावेद चौधरी से मुलाकात करो वो हमेशा न्यू एक तरह से लंबे शायद और मैं छोटा हूँ तो नीचे देख रहे होते थे हमेशा मेरे। अच्छा, तो मैंने उनको फिर फोन करके बताया कि मेरे मसले हैं, मेरे टेढ़ापन इशू है, मतलब मैं टेढ़ा चलता हूँ। अच्छा, और मुझे लीकेज है नलकों में, टप टप टपक रहे हैं, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे दो तीन मसले, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरी प्रोडक्ट यूज क्यों नहीं करते। अच्छा, उनकी प्रोडक्ट है, इसलिए आपको सब मुस्लिम शावर कहते हैं। जावेद भाई तो उनकी प्रोडक्ट है, उनकी तस्वीर भी आएगी उस पे लेकिन शक्ल नहीं होगी। जावेद भाई ने बहुत टीवी के एंकर्स को फोन किया और उन्होंने बोला आप मेरा प्रोडक्ट लें, आपके फौलाद के हो जाएंगे। उन्होंने आगे से बोला हमारे तो है ही नहीं, काफी सारे को तो नहीं है, हमारे तो 10 साल पहले न्यूटर हो गए। लेकिन देखें, काश अगर आप 10 साल पहले ये शुरू करते, काश ये भी का। आप ये भी देखेंगे एक साफी को माशरे की जो कहते हैं ना, वो एक पल्स का पता होता है। पल्स का नहीं पता, ये उसका पता है साफी को। आप देखेंगे उसको इसका भी पता है कि लोगों की क्या मसला है। बहुत नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया, मेरे ख्याल से इनको अपने स्टाइल में देना चाहिए था। 1970 में जब एक मर्द दरिया के किनारे सो रहा था और फिर उसको पता चला कि सर ये बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है ना वो थोड़ी सी अखबारी है। अब इसको करना चाहिए आम फैम, कैसे वो अफराद जो जल्दी झड़ जाते हैं इस तरह के जो लक्षण है झड़ना। तो ये जावेद चौधरी को सदर में कोई दवाइयां थोड़ी बेच रहे कि उस तरह करते हैं, गेम चेंज है। सदर अब खत्म हो गया भाई, अब दुकानें जो है ना वो ऑनलाइन हो गई। अब कौन है इंडिया वाले भाई जो हैं वो दिल्ली के हैं, कह रहे हैं हम दिल्ली से हैं, 900 साल से तिल्ले का काम कर रहे हैं। और जावेद भाई क्या कह रहे हैं? जावेद साहब ने अभी शुरू किया और देखो तिल्ला बीट कर दिया। लेकिन मसला ये है कि देखें उसके अंदर आपको जाने की जरूरत है, उनको जरूरत क्यों पेश आई? अच्छा, वो दिल्ली वाले साहब कह रहे हैं उनके मामलात एज अ साफी कोई मसला है? नहीं, अपनी जगह मौजूद है हमेशा से, माशाल्लाह सारा मामलात चल रहे हैं और अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, व्हाटएवर, और अच्छे लोगों से दोस्ती है उनकी। अभी कुछ दिनों से मसाइल क्या हुई सदर में, उन्होंने लगा कि असली मसला जो है ना इस कौम का वो ये है। इस कौम का मसला यही है कि ये चाहते हैं कि हम सोए और कोई पूरी रात जागा रहे। जी जी, खोल के लब आजाद है तेरे। वो कह रहे हैं कि अच्छा ये मुझे समझ नहीं आई मुकाबला क्यों है। ये एक तो कुश्ते हैं, चलो ठीक है, उसमें तिल्ले और पता नहीं क्या क्या है। वो कह रहे हैं मुकाबला है, चीख मारने वाला सीन है। अबे तो क्या मतलब, कोई लड़ाई है, जैवलिन थ्रो है, क्या है ये, क्या है ये, तुमने क्यों मारना है उसको? मेरे ख्याल से तकलीफ दे क्यों बनाना। जावेद चौधरी और अक्सर बर्द यही चाहते हैं कि आप बस बिस्तर में अरशद नदीम बन जाए कि बस उठा के फेंक दो। मैं बताऊँ 50 के पेंडे के बाद से ना ये मसाइल ज्यादा फोकस कर रहा है बंदा। मैंने ये देखा जवानी में चिल कर रहा है, 50 के बाद ना उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अब मैं मजीद क्या करूँ, क्योंकि पूरा दिन फारिग है, चीजें सॉर्टेड हो चुकी होती हैं, गंदे मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है इधर उधर वाले में। हमें लोग कहते हैं तौलिया कहाँ लटकाऊं, आप लोग गंदी बातें करते, हर दीवार पे तो ये लिखा हुआ है, यू राइट, बंगाली बाबा। तो ये बच्चे जो है ये जब देखते होंगे वो क्या सोचते होंगे कि मेरे अब्बा कमजोर है,
कमजोरी कहना है, मर्दाना कमजोरी, और नाम भी मर्दाना रख दिया ना भाई ने। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो जावेद भाई की सोच है आप उसको देखें। शुक्र करें उन्होंने बात करते हुए ये नहीं कहा मर्दाना, वरना यही बनता है इसमें। शुक्र करें उन्होंने तोड़ा नहीं मर्द। हाँ लेकिन इस मर्दाना देखें, इस मर्दाने का मसला वो मर्दाना वही वाली बात है कि इनका इशू ये। अब देखना ही है रात के वक्त अगर आप कैमरा लगा दें जाके वहाँ कि कौन कौन सा साफी लेने आ रहा है, असल सवाल ये है। अच्छा लेकिन एक और मसला ये इन्होंने है अपना कि नाम भी डाले मर्दाना भाई जावेद चौधरी, नहीं सर तस्वीर चौधरी चौधरी गोल है ना जावेद आधा नजर आता है, गोलाई पे तो काम कर रहे हैं जी। अच्छा ये एक और मसला ये है कि ये जो पांडा बच गया उस सीन से निकल चुका है, स्नो लेपर्ड भी अब वो इंडेंजर्ड नहीं रहा, बचा लिया। असली कोई अगर इंडेंजर्ड है इस मुल्क में तो वो है सांडा। नहीं अच्छा सांडा, सांडे को अबे सांडे को मार मार के सिर्फ तेल निकालने उसने अल्लाह ताला से जबान मांग ली है। अभी पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ, कह रहे नहीं है कुछ ऐसा, क्यों मेरे खाल मेरी मिल रही है उससे, जो जावेद भाई जिस चीज की बिली बेच रहे हैं जो वो खाल मेरी मिल रही है, ये मेरे हाथ देखो मेरा ताल्लुक ही नहीं है कोई, तेल निकाल रहे हैं उस बेचारे का। कौन पहला मरता जिसने सांडे का तेल निकाल के सोचा कि कल रात बीवी के चीखे आए तू भी तू भी ट्राई कर। सर कसूर इसमें सांडे का, पहले मर्द को ही रोका होता ना आज ये ना होता, काट लेता भाई। लेकिन सर आप हैरान होंगे जी, जब मैं वहाँ रात को कल छुपा, मैं भी लेने गया हुआ था क्योंकि जावेद चौधरी साहब का मर्दाना जो उनकी एक प्रोडक्ट आई, क्या बोला छुपा अच्छा जी छुपा जावेद चौधरी के घर के बाहर मैं छुपा हुआ था। छुपा मैंने वहाँ देखा कि फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई है जी, जब वो घूम रहे तो मैंने बोला किधर घूम रहे फसल में, ये नहीं मैं तो ऐसे ही फवाद ने एक चीज मंगाई थी यार, यार। असल भाई तो मैंने क्या कह रहे नहीं मेरा एक केस है, उस केस की मैं कोई फाइलों में मसला है तो मैं फाइलों का मसला हल करने आया हूं, वो नहीं निकले। एक मसला और हुआ है पता है जी। एक और मसला, चलो ये फैसल भाई हमारे फैसल भाई ने बताया कि मर्दाना के पास जनाना भी आएगी, उनके भी पोशीदा अमराज हो सकते हैं, सिर्फ मर्द के होंगे क्या ये, तो ये कोई और एंकर ही लाएगा कोई जावेद भाई लिखा हुआ था लकूरिया के पता नहीं क्या भी होगा। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं कि सबसे बैड सीन क्या हुआ पता है आपको, सदर आरिफ अलवी साहब ने वो उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए है, बैठा नहीं जा रहा उनसे, वो खड़े में कड़क हो गए हैं, अबे कान लगा ली, अबे कान लगा ली नहीं थी मल्ली अपने ऊपर थोड़ी मल्ली थी, कड़क हो गए हैं वो पूरा बैठ ही नहीं पा रहे, कह रहे कि नहीं मैं यूं यूं बैठे हुए हूं। नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इस मुल्क में साफत अल्हम्दुलिल्लाह फल फूल रही है, यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, सिद्दीक जान आ गया है, उससे याद है सिद्दीक जान, सिद्दीक जान आप भी जरूर जाएं, और उस दवाई से जो पिछली दफा आपने लेके संजा किया था और पीछे जो क्रिच हो गए थे ये नहीं करना, मुझे लगता है कर दी थी ना पीछे से सीधे हो गए, ऊपर शेव करते हुए तो सिद्दीक जान को सुनते हैं और अगर ये दवाई है तो भाई जान सिद्दीक जान को मैंने पकड़ा, दूसरा कौन सा था एक और भी तो था, सिद्दीक जान को मैंने पकड़ा, मैंने कहा तुम किसके लिए लेके जा रहे हो, कह रहे यार मेरी यतीम, कोई यतीम बंदा था उसकी मदद करने जा रहा था वो बेचारे क्या करे। नहीं एक बात बताओ, ये सदका जारिया भी है, आप जिसको भी आप देखेंगे उसकी आंखें पीली हाथ थोड़े से ये टेढ़े मेढ़े नॉर्मल है आप उसको दे दो। उसमें एक और अच्छी बात हुई, इसमें हमें ये भी नजर आता है कि अब जो रिजीम है वो बेहतर है, पहली वाली ने जो जो कमजोर किया ये वापस को कुवत दे रही है, वापस कुवत दे रही है ये रिजीम का। देखें क्या आपने बात की सर, एक और जो सहाफत हमारे खो चुके थे उनको वापस दी जा रही है। तो कलासरा साहब को जब पता चला है कि जावेद चौधरी ने दवाई खोल ली है मतलब क्या कीमत की अकमत की वो दुकान खोली है जावेद चौधरी ने, क्लासरा कह रहा मैं तो यूज कर रहा हूँ पिछले 10 साल से भाई। क्लासरा भाई की क्या बात है यार, उन्होंने बल्कि मेरे ख्याल में एजेंसी ले ली अपने इलाके वो उधर करेंगे। तलत साहब अच्छा बॉस देखे, तलत साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनको बोला यार क्या हो रहा है साफी, मतलब क्या कह रहे हैं, उन्होंने मुझे ये पूरे अख्तियार दिया इन रिटर्न के खुदा ना खास्ता कभी उम्र के किसी भी हिस्से में, और ये मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि उम्र के किसी हिस्से में भी मुझे आपको लगे एज अ थर्ड पर्सन वेल विशर कि मैं यहाँ से कोई ऑफ हो गया हूँ, मेरे ये वाले मसाइल हो गए, तो बड़ा वाला गंदा तकिया जो होता है वो मेरे मुंह पे रख के आप मुझे नहीं सुराग नहीं मुंह पे रख के आप मुझे जाने फानी से भेज देना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी लिए हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो खाना भूल गए, वो तो खाना भूल जाते हैं ना, खाना भूल गए तो कह रहे असर नहीं हो रहा, ले लिया वो कह रही क्या बात हो रही है मेरे पास भी देखी है कुछ नहीं। चौधरी गुलाम हुसैन ने तो खास फोन किया जावेद चौधरी को, हाँ। यार मर्दाना कर बना रहे हो, जनाना बना रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं बनाया था तो अब वो तीसरा प्रोडक्ट भी आ रहा है, मर्दाना जनाना जैक कैलिस,
समी इब्राहिम साहब के लिए खुशखबरी है, समी इब्राहिम साहब आपके लिए खुशखबरी है, नया प्रोडक्ट आ रहा है। मेरी बात सुन, समी इब्राहिम का आपने नाम लिया ना, वो लगाए नहीं रहे, उन्होंने अपने राइडर रखे हुए, ये सिग्नलों पे फिर रहे थे, वो बेच रहे लोग। नहीं, समी साहब ने खुद भी थोड़ी बहुत, तो बंदा मतलब जलेबी बनाते हुए चेक लेता है, इसमें क्या, तो थोड़ा सा ये है। अच्छा, ये मसाइल, ये कौमी मसाइल हैं, और जब से पाकिस्तान बना ये उस वक्त से ये दीवारों पे हमने आज सीरियस इशू है, बहुत बड़ा सीरियस। और मैंने आपको देखा, आप इस पे बहुत ज्यादा आपने आवाज उठाने की कोशिश की कि आपने हर चीज उधर क्यों मार दिया। हां, ये देखें, इस कौम का मसला ये समझ रही है कि जो आप खा रहे हो वही जा रहा है, लेकिन वो और जगहों से होता हुआ थोड़ा उधर भी चला जाता होगा, इसमें क्या है। लेकिन ये देखें, जावेद चौधरी को ये नहीं करना चाहिए, हमारे एक और दोस्त साफी जो है उसको, इसको नहीं दूंगा मैं, उनकी लड़ाई हो चुकी है पहले। कौन वो है? अच्छा, उनको नहीं मिलेगा, इससे सिक्स पैक्स बन जाते हैं, वैसे ये दवाई नहीं खानी। मैंने जो टिकटॉक देखे, मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट उन्होंने इरशाद भट्टी पे किया है ये। लेकिन एक टाइम था इरशाद भट्टी बड़ी रिपोर्टिंग करते थे, फिर मैंने उनको टिकटॉक पे देखा, तो इरशाद भट्टी जावेद साहब ने लिया, वो कहते हैं अब क्या कर रहे हैं मेरे लेके, वो बस ऐसे ही एंडोर्समेंट कर दूंगा। नहीं, बाकी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, उन्होंने दवाई लेके बोला कहाँ थी तू इतने अरसे, अब क्यों आई, मैं उसको भी क्रिटिसाइज। अच्छा, दूसरा अहम बात, जो सिक्स पैक वाले भाई थे हमारे, उनको बोला दवाई, उन्होंने बोला नहीं मैं तो पूरा ना, मैं तो जितना हूँ उसने खानी है। लेकिन देखिये दवाई, वो भाई जो है वो जिनसे मेरा फटा भी हुआ था ट्विटर पे, क्या नाम है उनका, नूरानी गंजा जो है, और जो है यार साफी है, वो है। नाम तो सोच ले, नाम सोच, चले एनीवेज आगे तो पढ़े क्या ना? हमारे भी वैसे किस तरह के एंकर हैं हमारे, खान ज्यादा, कोई वायलेंट है, गन ज्यादा, अब जावेद चौधरी कह रहे हैं ले लो दवाई और कर लो ज्यादा। बताओ सर, इसमें कामरान खान मतलब है सीनियर साफी, सीनियर बिल्कुल, उसने कहा इस काम में कोई फायदा नहीं, जिस कामों में मैं लगा हूँ उसमें जितना बड़ा फायदा है वो उन्होंने नहीं, वो भी ले, वो भी ले और हाथों पे लगाए, वो उनके लिए लगा रहे। कल रात हमें पता चला कि जावेद चौधरी की जान बच चुकी है। अच्छा, क्या बच चुकी है? कल हमें बता रहे थे ना जान, अच्छा, जावेद चौधरी एक दफा फिसले और गिरे और उनकी नाक पे लगा, उनकी नाक टूट गई, शुक्र करे उन्होंने पहले दवाई नहीं ली थी, वरना नाक तो बच जाती, नाक बच जाती मगर बाकी नाक बच जाती। लेकिन देखें, मुझे ये अच्छी बात ये कि साफी इस मुल्क में जहाँ भी महंगाई, यू नो, वो बैंकक्रप्सी पता नहीं क्या क्या बातें हो रही, वहाँ साफी एक इंडिविजुअल के वो वाले मसलों के बारे में सोच रहा है कि उसको दवाई क्या देनी है। जावेद चौधरी ने एक्सप्रेस छोड़ दिया ना, एक्सप्रेस छोड़ दिया ना, आप वो अब तो एक्सप्रेस नहीं है ना, अब तो दवाई है, अब एक्सप्रेस थोड़ी होंगी, बताओ नहीं ये अब अब तो जियो है। गुमन, हाँ गुमन भाई ने भी लिए, वो कलर को उन्होंने कहा रंग गोरा हो जाएगा, मुंह पे लगा लिया। नहीं वो वाली नहीं है, वो ग्लूटाथायोन के साथ आपने खानी है ये, अच्छा, ताकि आप तंदुरुस्त और तुंदे हुए भी रहे। और तो इसमें बड़े साफी हमारे, लेकिन इन सारी बातों के साथ ये तो हो गया। चले दूसरी अच्छी खबर, आप सिर्फ दूसरी साइड वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी साइड वाला नहीं करते। नहीं नहीं सर, हमारे जर्नलिस्ट भी यहाँ बोले असद अली तूर ने लिए, असद अली तूर कह रहे मुझे असर ही नहीं, वो तो ऐसे लेके फेंकी उन्होंने, असर हुआ दूसरी तरफ, बोला भाई ये मसला नहीं था जिसकी वजह से भाई कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मैंने खुद गाड़ी के नीचे, जावेद चौधरी घर के बाहर गाड़ी के नीचे एक बंदा छुपा हुआ था, कौन, अगले दिन बोले यार मेरी नाक सख्त क्यों हो गई, जावेद चौधरी की दवाई मेरे नाक सख्त हो गई। कहीं भी कुछ कर लें तो उमर चीमा उनके मोजे ही नोटिस सर, लेकिन वो उमर चीमा साहब ने कहीं खा तो नहीं चुके, पिछले कुछ अरसे नजर नहीं आ रहे, बेहोश पड़े हुए हो गए, कहाँ है, नहीं आते रहे। अच्छा, नहीं उमर चीमा ने खाई थी तो वो उन्होंने शोज किए, लेकिन मसला ये कि एजाज पकड़े नहीं गए क्योंकि वो ऐसे खड़े होते हैं कि दरवाजे के पीछे दरवाजा पूरा खुल जाए, पता ही नहीं चल रहा एजाज पीछे है कि नहीं, इसलिए एजाज सईद की पकड़नी है। अच्छा, खान साहब को भी ये भिजवानी चाहिए, बिल्कुल जेल के अंदर, जेल का अमला बहुत तंग कर रहा है, तो खान साहब को ये दवाई उधर भी भिजवानी। देखिए दवाई तो मिल जाएगी, पानी ऊपर से टपक रहा है, छत टपक रही है, उसके बाद ये दवाई खाए वहां नीचे से टपकेगा पानी। यार ये देखिए आपने बातें कर ली, उन्होंने दूसरे साफियों को बोल दिया, सुलंगी साहब भी हैं, ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो नहीं खाते। सुलंगी साहब ने तो गालियां दी जावेद चौधरी को कि गोवा जाने से पहले क्यों नहीं दी। नहीं नहीं, सुलंगी साहब ने बोले ली और सेठी साहब को फोन किया है कि सेठी साहब ये जो दवाई है क्या ये हकीकत में ओरिजिनल, क्या इसको मतलब पान के पत्ते के साथ खा सकते हैं। फोन किया और उसको बोला भाई दवाई आ गई। अब आई डोंट नो कि ये बात करनी चाहिए नहीं, कि एक बंदे ने तो ये भी कहा था कि मेरे भाई, क्योंकि मुद्दा तो यही है ना, रिसर्च तो इसी पे हुई है, अक्सर लोग ऊपर बिठा के, तो मेरे भाई ठीक है ये हो गया, नहीं रखना आई थिंक फेयर इनफ। अब अच्छी खबर की बात कर लेते, बहुत अच्छी खबर है इस केयर टेकर
पंजाब हुकूमत की तरफ से गरीब लोगों के लिए टैक्स बिला ओ कर्जा बिला सूद, ये जजेस के लिए उन्होंने अनाउंस किया है। अच्छा जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि देखें जज से गरीब आदमी तो मेरा नहीं ख्याल कोई मजीद आपको कभी नजर आया। जिस बंदे के पास विग ना हो और सफेद विग पहने तो कितना गरीब गरीब ही होगा ना, गरीब है। देखें वो कोट भी कोई पहन के आते हैं, यानी कि अदालत में आने के लिए उसको एक काला कोट पहनना पड़ता है कि छुप जाए उसकी गुर्बत अंदर, क्योंकि अंदर बनियान पहने होते हैं वो। हाँ देखें जज बेचारा 361 मिलियन फॉर इंटरेस्ट फ्री हाउस लोन टू 11 लाहौर हाई कोर्ट जजेस, ये डॉन की खबर है। यार बेचारे यार, देखे ना 11 लोग हैं इस मुल्क की तकदीरों के फैसले कर रहे हैं, उन्होंने वजीर आजमों को गिराना है, दूसरों को निकालना है, जल्दी निकालना है, डालना है, उनका भी तो सोचना चाहिए, उनका भी किसी को सोचना चाहिए। और ये जो घर नहीं होंगे ना वैसे, जी जी, ये वो जज हैं, ईच जज हैज अ बेसिक पे टू द ट्यून ऑफ रुपीज 9 लाख। माशाल्लाह बेचारे इनके पास कहाँ पैसे बचते होंगे सर, आप कहाँ पैसे बचते होंगे, गरीब जज है सर। मैंने खुद देखा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जजों, इनको राइट बिल्कुल सही है, मिलना चाहिए घर, बनियाने टांगी हुई थी लोगों ने यार, ये बेचारे शाम में केस के बाद अपनी बनियाने टांगी होती है ना यार, कच्चे बनियाने रखे होते हैं उन्होंने कि चलो आओगे तो, मतलब मैंने तस्वीर देखी है सर, घर दूसरा होना चाहिए यार, गेस्ट हाउस में वरना और हर जगह कैमरे लगे हैं, हर जगह कैमरे लगे हैं, मुश्किल इनके अपने घर होने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को सलाम पेश करता हूँ इस दौर में, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, मसले मसाइल, रुपी इतना नीचे। मैं तो कहता हूँ अगर मेरा माने ना तो मैं तो कहता हूँ इतनी सहूलियात देनी चाहिए इनको कि ये सारा कुछ देने के बाद फ्यूचर में बच्चों की शादियां भी हुई भी मिले इनको। मैं मतलब तो ये कहता हूँ सर ऐसी शादी करेंगे हुई भी। इतना भाई ने तस्वीर खींच दी है इस साल, आप सबसे हमारे लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई ज़कात फितरात कोई निकलती है तो वो भी लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई नीचे या इधर उधर आप जजों को दें, जो पैसे बचे हैं वो जावेद चौधरी की चीज़ें मिले उनका भी फायदा करना है। वो तो वो हाई कोर्ट नहीं, वो तो लो कोर्ट में लो कोर्ट उनके सिद्दीक जान साहब का अभी अभी मुझे पता चला कि एक नया आइडिया लेकर आए बिजनेस का। गाइस 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 हमें इसको भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है यहाँ इस मुल्क में, एंटरप्रेन्योर नहीं है। सिद्दीक जान साहब मोबाइल सर्विस शुरू की है उन्होंने, साथ ही साथ जावेद चौधरी की प्रोडक्ट यूज करें, जगह नहीं है आपके पास वो दे रहे हैं आपको, माल भी दे रहे हैं। नहीं जावेद चौधरी का अगला वेंचर यही है जगह, अब वो आगे ना आपको वो उन्होंने खोलिया बना ली छोटी छोटी ना मोबाइल, सिद्दीक भाई ट्रक चला रहे हैं और आ रहे हैं आज उठा। कामरान खान ने भी अभी बोला है कि मैं भी अब शेव करते हुए सिद्दीक जान को सुनता हूँ, तो लोगों ने बोला कामरान खान साहब आपकी तो दाढ़ी है, उन्होंने बोला यार छोड़ो यार छोड़ो। अच्छा एक और आपने देखी होगी कि आर्मी चीफ्स के साथ ये खबर भी बड़ी घूमी है और उस पर बड़ी तनकीद, मेरे मैं तो कहते हैं इस खबर को ही जाने, आर्मी चीफ के साथ मेमनों बिजनेसमैन की मेमन बिजनेसमैन कह रहा था बिजनेसमैनों की मुलाकात हुई जिसमें AKD सर फहरिस्त है जी जी और सारे हैं उसमें, सारे मेमन नहीं है बट कराची में क्योंकि मेमन बरादरी का कम्युनिटी एक वो है एक बड़ा वो है, तो उसमें क्योंकि बिजनेसमैन का जहाँ नाम आएगा वहाँ AKD का नाम आएगा जरूर आएगा। तो ये AKD साहब उन सबसे मुलाकात हुई है जिसमें शब्बर जैदी ने क्रिटिसाइज भी किया खानजादा साहब का। अच्छा मैंने सुना है बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा लोग थे उसमें, तो तब्बा साहब ने अकील करीम डैडी को बोला, सबको तवज्जो कराने की बोला अब डैडी बोलेंगे, सब ने जनरल आसिम मुनीर से देख लिया क्योंकि उधर देखा तो वो उनको देख रहे थे, वो उनको देख AKD भी उनको देख, हाँ ये है कि देखे ये तो बड़ी बात है बेचारे, लेकिन ये कि ये कारोबारी हजरात हैं इनकी मुलाकात ये पहली दफा हो रहा है। आप क्या समझते हैं बाजवा साहब के साथ भी मिलते नहीं जी जी अच्छा, डॉलर के साथ डॉलर कैसे नीचे आया, ऐसी भटिया डॉलर की 10 रुपए का नोट लगा हुआ एक लम्बे के लिए नहीं लेकिन देखिए डॉलर डर गया भाई, ये पंजाब में भी मिले ये सारे हमारे बेचारे 70 सालों से 75 सालों से इतनी मुश्किल में सिविलियन के साथ ये कारोबार कर रहे थे, बड़ी मुश्किल में थे। नहीं खत्म करें सिविलियन का एक ही नाम रखें सिविलन खत्म करें खत्म करें, नहीं नहीं मैं साथ हूँ ये बहुत हो गया है कुछ करते हैं नहीं। देखें अगर रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट अच्छे होंगे तो फिर हमें तनकीद हमारी नाजायज हो जाएगी, तो अगर रिजल्ट अच्छे आए तो देखें बिल्कुल करें ये कारोबार करके देखें। यही लोग हैं सर जो डॉलर का ये जो धंधा काली मार्केट चल रही है ये सारे लोग फायदे भी उन्होंने लिए, सारी काबीना वजीर आजम के स्पेशल एडवाइजर सारे बिजनेसमैन होते हैं, ये सारे नाम आप देख ले रजाक दाऊद से लेके ये टब्बा और मब्बा और ये टेडी और टेडी दूसरा क्या लिखा है आपने तो ये सारे लोग वही हैं, इससे मामला ठीक नहीं होंगे, ये आप ब्लैक मार्केट रोकें, आप
आपको फिर पता लगेगा। और इसके अलावा अंदर खाने भी जो बहुत सारे मसाइल है बोलने नहीं चाहिए, वरना मसला हो जाएगा कि जावेद चौधरी वाली दवाई उठा के भी लेके जाएंगे और खिलाएंगे भी। नहीं ये तो वो लोग हैं जब दवाई से आगे निकल चुके हैं अब। हाँ ये तो वो सत्तर से आगे के मामला थे, 70-80 साल वाले जो लोग हैं। तो ये अच्छा, मैं ये भी दूंगा किसी को, हमारे साफी भाई अगर सुन रहे हो जावेद साहब के अलावा, कि एक और मसला है जो बहुत इस कौम को है, वो है घुटनों का मसला, गोडे गोडों का मसला है, उसका भी करें, उसका भी करें। अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी कोई खबर चल रही थी, वो पता नहीं मुझे, आप करेक्ट करिएगा, मुझे याद नहीं रहा, ये कोई किसी ने करेक्ट मेरा ख्याल है बोला है या पंजाब से या सिंध से, कि वो मोबाइल जो है ना उसको या तो आप घर रख के लेके जाए, आज ही कुछ वजीर दाखला से यार बदामी मैंने बड़ा अच्छा किया उस पे। हाँ, कह रहे हमारा ही कसूर है। नहीं नहीं हम देखे, उन्होंने कहा मोबाइल छुपाने की जगह होनी चाहिए, आपका बात बड़ी टाइट बोली उन्होंने। नीचे एक बंदे ने लिखा था सर वो महंगाई ने वो जगह ही फाड़ दी है। तो कहाँ रखे मोबाइल, अब आप जगह नहीं है वो महंगाई की वजह, यही कह रहा अब तो फाड़ दिया, अब दो मोबाइल आ सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी जगह है, अगर आपने जावेद चौधरी की दवाई खाई तो मोबाइल तो ले जा सकते हो। अच्छा, दवाई खाने का नुकसान ये भी आप कह रहे हैं मोबाइल नहीं है, वो कह रहे हैं ये क्या है कि भाई नहीं है मोबाइल, क्या है ये दवाई का असर है। सर मोबाइल कहाँ रखे जाया जाए, कोई आइडिया देना सर। वही बता दिया उन्होंने यार मोबाइल। हाँ मोबाइल तो अब रखने का क्या कहीं कोई जगह बनती ही नहीं है, कोई नहीं बनती भाईजन। तो ये अच्छा आइडिया है, मोबाइल घर रख के जाए, छुपाए ऐसी जगह पे जहाँ वो चोर जो है वो निकाल ले। अच्छा, एक दौर में अगर आपको याद हो तो ये भी होता था कि दो निकाल रहे हैं। मसला भी तो ये है, ये भी होता था कि दो रखो आप मोबाइल, एक सस्ता वाला जो चोरों के लिए। ये किया भाई मेरे साथ, काम पे निकले ना वही काम कर रहे हैं, बाकी तो माशरे में मेरे साथ ही वाकई हो चुका है। मैंने जानबूझ के फिर पूरा चेक किया कि कौन सा वो वाला मोबाइल है। अच्छा, लेकिन इसका मसला ये हुआ है कि जो इन्होंने ये सजेशन दी है कि आपने ये करना है, तो ये तो चोरों ने भी सुन ली, वो डायरेक्ट वही हाथ मारेंगे। वो कह रहे कि जरा मोबाइल दो, बोलना उन्होंने गन उधर रखनी है एक हाथ से, दूसरे हाथ से जो तलाशी में हर वो जगह चेक करनी है। आज अली जफर घर गए तो उनके पास 10 मोबाइल थे, उन्होंने बोला क्या हो गया तुम तो चोर भी नहीं हो। हाँ देखो यार गिर गए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बताई देता हूँ, कल मैंने जावेद चौधरी साहब की दवाई खाई, रात को मुझे चोर मिल गए। मेरे जहन में वो मशवरा भी था, मैंने मोबाइल इधर उधर, चोर आया, चोर ने गन रखी, कह रहे मोबाइल कहाँ है, हमें पता है कि कहाँ है, वजीर दाखला साहब ने कहा है कहाँ छुपाना है, उसने तलाशी लेना शुरू कर दी। मैंने कहा लेता रहे यार मजा आ रहा है। मोबाइल का क्या दे देंगे, अपना चलता रहेगा, मोबाइल फिर ले लेना। मैंने कहा आके दूंगा आपको यार, कोई मसला नहीं, अभी तू तलाशी लेता रहे। ये कि उसमें मजे ज्यादा लग गए। इसके अलावा जनाब अली ए शब्बर यार, शब्बर भाई, शब्बर भाई को लोग गलत समझते हैं कि ये तारे काटने वाले आदमी है, तारे नहीं काट रहे, ये बड़े मतलब टैक्स में कह रहे वाले। मैं तो बड़े टाइम समझता रहा शब्बर जैदी जनरल बख्शी है, इंडिया वाले सेम इंसान है, मुझे भाई पता चला अलग है भाई है, अलग है। शब्बर और एकेडी की आपस में कोई थोड़ी सी शब्बर जैदी अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, बट उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं सारे बचपन इनको ऐनक वाले जन्म में देखा। नहीं वो अलग है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो शब्बर नहीं है भाई। अच्छा शब्बर भाई अलग आदमी है। हाँ पढ़े लिखे अरे बहुत बाजवा साहब के साथ डैडी तू ऐसे बात कर रहे थे चाय वाले को बुला रहे हो जब्बर कुड़ो त्यो बाने इनकी तो आपस में चल रही है। नहीं जब्बर ने क्या बोला होगा उसे अकेले बेचारे क्या डर भी रहा है ना वो अकेले जब कैमरा बंद हो रहे हैं ये काट बहुत रहे हैं शब्बर भाई इसको मतलब लग रहे हैं ना ये के शब्बर जैदी ने अफगानियों को क्यों गालियां देना शुरू कर दिया भाई यार देखो यार ये ट्रेंड भी चल चुका है। नहीं वो उससे वो डॉलर की बात हो रही है ना कि उधर जा रहा है और वो नहीं मेरे ख्याल से ये सोराब गोड गए थे इनका मोबाइल चोरी हो गया ट्विटर पे क्योंकि ये बात है कि वो कोई ग्रुप है जो वहाँ है मोबाइल चोरों का वो जमा करता है और उधर भेज देता है और फिर वो वाले जो फिर बाद में मोबाइल लेते भी नहीं है। ये कौन चीनी है? की स्मगलिंग पर बड़ी बात हो रही है इस मुल्क में अंदर चीनी के रेट एवरीडे चेंज हो रहे हैं और चीनी स्मगल होकर जा रही है अफगानिस्तान। अल्लाह माफ ठीक है डॉलर भी अफगानिस्तान जा रहा है नहीं वहाँ से हम खुद भी मेरा ख्याल है किसी दिन चले जाते हैं अगर बेहतर हालात का हक है चीनी खाने का मीठे वो मीठे खाने जो हैं वहाँ पर काफी बहुत ज्यादा है तो हमें तो उन्होंने बोला कि चीनी ज्यादा खानी नहीं चाहिए नहीं मीठे मशहूर है ये भी बोल रहे हैं कि कोई मसला नहीं जाने दे चीनी आप खाएं तो जाते जिस मुल्क में आप चीनी नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर क्या फायदा आप खुद नहीं खाते आपको तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए आप तो नहीं खाते चीनी चीनी नहीं चीनी कभी वो थाई खाई नहीं शुगर हो गया आप यूज करते चीनी सर अभी अभी मुझे डांट पड़ी है
जब इन्होंने मेरी फ्रिज खोला और देखा कि चीनी की भरमार है। आपके पास क्या क्या चीज़ है? जी जी सर, उसमें से मैंने पी भी एक। जी जी, मैं उसको चेक कर रहा था बट मैं नहीं इस्तेमाल करता, कम मसाज ले लिया ज्यादा से ज्यादा। नहीं नहीं, खाने शुगर की बात हो रही है, चीनी चीनी यार आप लोग, आप कहाँ से मिक्स कर रहे हैं? शुगर का बड़ा मसला है यार, वो नहीं कंट्रोल हो रहा है इस मुल्क में, लोग बड़े परेशान हैं। वैसी बिजली का इशू है, माशाल्लाह दुनिया में नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज है, हम दुनिया भर में नंबर वन है। आई थिंक कुछ 33.5% माशाल्लाह। इसके बावजूद हम रो रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही चीनी, और चीनी नहीं है उसके बगैर पता नहीं शायद मुश्किल भी होती होगी चीनी के बगैर। अगर नहीं, हिस्टोरिकली तो हमारे पास बहुत, मतलब हम चीनी प्रोड्यूसिंग नेशन थे, जहांगीर तरीन वो जो शुगर डैडीज हैं, शुगर डैडी बड़ा मशहूर एक लफ्ज था शुगर डैडी का, वहीं से निकला। और ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये जो हमारी सारी पार्टीज हैं, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी में, इधर वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है कि शुगर डैडीज को कोई नहीं छेड़ेगा। अच्छा, चीनी जरूरी भी है। अब चीनी अगर आप लेने जा रहे हो, चीनी मतलब आप क्या, अगर चीनी नहीं लेंगे तो क्या गन्ना लोगे क्या? चीनी नहीं, चीनी ले कारोबारी जो है सर, मतलब आप कह रहे हैं डायरेक्ट शुगर केन से, ये जो आप बात करें ये असल माफिया, इसके सामने देखे ना एस्टैब्लिशमेंट को भी कुट रहे हैं। शुगर जो है वो डायबिटीज का, चीनी से ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं है इसका, बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक कहीं पीछे जाके लगता है। ह्यूमन वो जो वो है साइंटिफिक, उसके अंदर 10-11 हज़ार साल पहले, लेकिन चीनी का वैसा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना रिसेसिव जीन का। काफी लोगों के घुटने वैसे, घुटने का मसला है असली, इस कौम का मसला एक ही है जिसकी जानिब तवज्जो मबजूल करा चुके हैं अपना जावेद चौधरी साहब। बाकी चीनी वगैरह का क्या है, ये आप ना भी खाओ तो क्या, ये घुटने अक्सर पैंट वैंट भी फट जाती है। कामरान खान तो अब चड्डी पहन के जाना शुरू हो गया चीनी की, हमेशा वो घुटनों में उनके वो फट जाती है। अरे वो चलते हुए भाई, आप चलते हुए 2 टांगों पे जाओगे, वापसी 3 टांगों पे आओगे। ये जावेद चौधरी, जावेद चौधरी, अगर आप जावेद चौधरी हो, जावेद चौधरी अगर आप, और हमने जितनी प्रमोशन की है क्योंकि हम पेड कंटेंट कर रहे हैं, जावेद साहब ने बोला है, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे अगर जावेद साहब आप देख रहे हैं तो प्लीज हमें वो प्रोडक्ट भिजवाएं, हम उसको सामने रखेंगे, दोनों बाद में इस्तेमाल करेंगे लेकिन रखेंगे सामने। मर्दाना भी और चीनी भी, चीनी भी भिजवाएं, मर्दाना भी भिजवाएं, और मैं कह रहा हूँ अगर चीनी नहीं है तो चाय में मर्दाना डाल के पिए। देखिए आपके दो मसले हल हो रहे हैं, एक तो शुगर लो हो रहा है, वो हाई हो रहा है, नहीं वो इस वजह से हलीब गाढ़ा नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं समझा, अच्छा मसले का, सारे मसले का हल मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि भाई ने जिस तरह बोला कौमी मसला है, तो सब मसलों का हल एक ही मसला है। और मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में भी ये मसला है, क्योंकि वो जो अंकल बार बार आ रहे हैं हमारी फीड पे, वो दिल्ली के हैं, वो कौन? अच्छा जो दवाई, हाँ ये जो कह रहे हैं कि चीख इतनी होगी कि टीवी की आवाज तेज करनी पड़ेगी, इस लेवल पे डील कर रहा है अगला। तो इंडिया में भी जितने दोस्त हैं हमारे, वो भी अगर ये प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वो जरूर इस्तेमाल करें। जो नहीं जानते या ले सकते प्रोडक्ट, दिल्ली में एक अंकल है, कौन सी गली है वो, कौन सी स्ट्रीट है, उधर जरूर जाएं, और वो अंकल डांट भी बहुत रहे। नहीं वैसे ये आसान है, मैं भी लोगों को मशवरा दे दूं, आपको तो पता है मैं बहुत टैलेंटेड हूं, अगर जो आपके हाथ हस्बैंड्स हैं वो अपनी बीवी को नहीं चीखें दिलवा सक रहे, तो आज रात वो जाएं बिस्तर में और बीवी को बिजली का बिल दे दें। यार अनवर, ऐसे इसमें जावेद चौधरी में भी एक अच्छी वो दी है कि कौम के पास ना बिजली है ना इकोनॉमी है, तो बस शुरू हो जाओ, हाँ कुछ लाइट करें, बंद करो लाइट का खर्चा कम, सब ने प्रोटेस्ट की तो फिर करे क्या, मर्दाना लो, मर्दाना लो, डॉलर आप नहीं ले सकते, मर्दाना ले लो। यार वो जो है कैसर बंगाली बाबा जो है, क्या नाम है उनको? जी जी, जावेद कैसर बंगाली चौधरी, नहीं जावेद है, डॉक्टर कैसर बंगाली, कैसर बंगाली साहब, अच्छे इकोनॉमिस्ट, जबरदस्त। नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो इकॉनमी की मतलब माँ बहने को, ये तू सिर्फ बातें करता रहेगा क्या? ये कह रहे इकॉनमी की माँ बहने को, ये उन्होंने अपनी दीवारों पे लिखा हुआ है, वो वाला सीन याद आ गया, फला किताब, अबे तू बता रहा वो तो लिखा हुआ वो भी जावेद चौधरी बंगाली की तरह नहीं भाई, वो मिक्स कर रहा है यार, वो उनका ताल्लुक वो दीवारों वाले कैसर बंगाली नहीं सर। हाँ इमरान खान के कमरे में पानी, हमने डिस्कस किया, गलत है, ज्यादा नहीं किया कि कमरे में पानी आ रहा है, तो हमने कमरे में पानी आ रहा। आज किसी ने ट्विटर पे ये भी शेयर किया हुआ था कि अटक जेल में ड्रग डीलर्स बढ़ गए काफी, सी बात है जाहिर मतलब यार कहाँ किसको बता रहे हो
हाँ इंडिया का नाम भाई सबसे अच्छा काम जो हो रहा है इसके लिए वो कोशिश जो उन्होंने मोदी साहब ने की है कि भारत नाम रख रहे हैं, अब वो सेकुलर इंडिया खत्म हो रहा है मेरे ख्याल में जल्दी। नहीं नहीं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत भी था हमेशा से, बड़ी आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो जो मेरे ख्याल में मोदी साहब ज्यादा आपको डिफरेंस है, मोदी साहब को चाहिए कि भारत भी ना रखे, डायरेक्ट हिंदुस्तान रख दें आप, बेहतरीन हो जाएगा। एक्चुअली हिंदुस्तान बेहतर लफ्ज है बिकॉज जो अभी हिस्ट्री में हम जा रहे हैं, बट जो लफ्ज हिंदू है वो हिस्टोरिकली किसी मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ द इंडस। अब जो कर रहा है, अब जो उसको कह रहा है वो मोदी साहब के वर्जन को कह रहा है, लेकिन वो क्या आप कह रहे हैं ये सोच के कर रहे हैं? नहीं वो तो ये कह रहे हैं, उनका तो ये ख्याल है कि जो इंडिया नाम है वो जो आपके वेस्टर्न आए थे उन्होंने रखा था इंड फ्रॉम इंडस, तो ये एक वेस्टर्न नाम है और भारत एक वो नाम है, उनको मसले नहीं पता नहीं, नाम भारत तो बड़ा जबरदस्त किस्म का नाम, भारत अच्छा नाम है, हिंदुस्तान अच्छा नाम है, उनकी माँ भारत है। आई थिंक ये है कि वो जब एक नाम होता है तो फिर वो इट टेक्स इट्स ओन सिग्निफिकेंस ओवर डेकेड, राइट? जी बिल्कुल, उन्होंने रखा था, बट वॉट इट हैज कम टू मीन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट सेंचुरीज वो भी अब उस नाम का हिस्सा है। तो हमें तो चाहिए कि हम भी एक दफा वो बड़ा वाला अपना जो लाइट का फीडर बंद करें, पाकिस्तान बंद जब खोलें तो हम भी अपना कोई नाम, मेरी जिंद मेरी जान, नहीं मैं तो कह रहा हूँ पीछे से हम यही चोरी कर लेते हैं ना, ये नहीं करो, लोग बोलेंगे हम इंडिया आ रहे, हमारा तो टूरिज्म अगले दिन। वैसे भी कंफ्यूजन थी यार, एक मुल्क के तीन नाम कैसे चल सकते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि एक आदमी अगर तीन नामों से आईडी बना के तो दो नंबर आदमी हो जाता है, ठीक है? तो एक कोई नाम रखें ये बात, लेकिन ये इसके ऊपर मैं आप चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम अगली पॉडकास्ट में बताएं हमारे लोगों को क्यों चेंज किया। वैसे लोग का यही है, यही यही सोच है, बट वो किया नहीं है। ये क्या है भाई? अच्छा आपको एक वीडियो बताई जाएगी, कोई आदमी कपड़े उतारते हुए दिखा रहे हैं, एक वीडियो आपको बताई जाएगी कि आपने मोबाइल कहाँ रखने हैं, वो वीडियो हम साथ लगाएंगे, ये हमारी तरफ से तोहफा है। हो सकता है एक से ज्यादा वीडियो हो, लेकिन एक तो कंफर्म होगी कि मोबाइल आपने रखना कहाँ है, ठीक है? वो मेरा फोन बज रहा है, एक मिनट। वाह, ओहो वाह, ये तो इसने यहाँ से निकाला सर, ये नया मोबाइल, क्योंकि चोरी हो रहा है उन्होंने बोला मोबाइल यहाँ रखना है, जबरदस्त। नहीं नहीं, अभी तो बहुत मसला हो गया है कि मैंने मोबाइल छुपाया था, वो फंस गया। अच्छा, तो अभी मैं जा रहा हूँ नूरानी कबाब हाउस पे कटाकट खाने, ताकि रात को मोबाइल मोबाइल तो निकले, मोबाइल तो निकले। अच्छा मिस कॉल मारूं, मजा आएगा। मेरा ख्याल है आज के लिए ये काफी है, अगली दफा हम बताएंगे भारत क्यों है और हमारे पास क्या ऑप्शन, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो बता देंगे, हम टाइम हुआ तो बता देंगे, मैंने नहीं बताया। और दैट्स ऑल आई गेस, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करें जरूर सब्सक्राइब करें भाई, इसमें हम बेकारी लगते हैं। इनका हाथ को, इनका हाथ देख लें, अगर कोई हमें फंड करना चाहता है किसी किस्म का तो हमें कोई पैसे दे, पिछले आठ दफा जो जितने भी शोज हुए हैं हाथ ठीक नहीं हुआ इनके, सारे मसले ठीक हो गए हैं, ऊपर नीचे के हाथ का मसला है। मजा बहुत आएगा मेरे दोस्त, तुम रोज आना, मजा बहुत आएगा तुम रोज आना, हम तीनों ने ले लिया है मर्दाना। वाह वाह वाह, जावेद चौधरी के लिए तालियां, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस।